नेहा और निकी दोनों 6 साल के बच्चे एक बर्थडे पार्टी में साथ जाते हैं। निकी तुरंत शामिल हो जाती है और नेहा अपने पापा से चिपक जाती है। 4 साल की रिया जब अपने दोस्तों को आते देखती है अपनी मम्मी के पीछे चिपक जाती है। उसका दोस्त रोहन उसके विपरीत अपने मम्मी के पापा की साइड छोड़कर दूसरे बच्चों के साथ खेल में शामिल हो जाता है। इन सब बच्चों में कॉन्फिडेंट बच्चे कौन हैं जो अपने मम्मी पापा के करीब रहना चाहते हैं और शर्मीले लगते हैं, या जो तुरंत अलग हो जाते हैं और आउटगोइंग लगते हैं? नमस्कार पेरेंट्स, आई एम डॉक्टर मेघना द थेरेपिस्ट फॉर मी। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड पेरेंटिंग कोच और आज हम डिस्कस करेंगे शाइनेस। क्या शर्मीला होना बच्चों के लिए बुरा है और हम अपने शर्मीले बच्चों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? शाइनेस या शर्मीलेपन में कुछ भी गलत नहीं है। सभी बच्चे अलग होते हैं और कुछ बच्चे दूसरों की तुलना में ज्यादा शर्मीले होते हैं। ये उनका स्वभाव का एक हिस्सा है, उनका दुनिया से इंटरैक्ट करने का एक यूनिक तरीका है। हमें अक्सर लगता है कि शर्मीले बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं होते। जो बच्चे वेट करते हैं, झिझक दिखाते हैं और भीड़ से अलग होते हैं उन्हें कॉन्फिडेंट नहीं समझा जाता। आज हम एक नया नजरिया देखेंगे। We will explore a less explored pathway. शर्मीले बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि वो अपने बॉडीली क्यूज से टच में होते हैं। They trust their inner compass. जब उनको अपने फ्रेंड्स ग्रुप या किसी भी सोशल सिचुएशन में झिझक या चिंता होती है वो अपने शारीरिक संकेतों को महसूस करते हैं और वो ही करते हैं जो उनकी बॉडी बता रही है, ना कि वो जो उनके फ्रेंड्स उनको बता रहे हैं। तो इसलिए वो अपने साथियों से प्रभावित नहीं होते क्योंकि वो जानते हैं कि उनको क्या चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा शर्मीला है उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। आपका शाय बच्चा शायद सामाजिक बारीकियों को ज्यादा नोटिस करता हो, जो और बच्चे शायद मिस कर देते हैं। लेकिन आपका अपने बच्चे के बारे में चिंता करना जायज है। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे आसानी से दोस्त बना लें, टीचर से सवाल पूछने और आंसर देने में कंफर्टेबल हों और अपने खुद के लिए खड़े होने में हिचकिचाए ना, राइट? तो देखते हैं कि हम अपने शाय बच्चों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, कुछ भी करने से पहले अपनी चिंता और एंग्जाइटी चेक करें। जब मैं अपने बच्चे से कहती हूँ जाओ वो सबके साथ खेलो या फिर शर्माओ मत, हाथ मिलाओ अंकल से ना, जब हम अपने बच्चे को ऐसे करने को बोलते हैं जिसके लिए वो रेडी नहीं है, हम ये अपनी एंग्जाइटी कम करने के लिए बोलते हैं जिससे कि हमारा बच्चे का बिहेवियर में चेंज आ जाए और हमें लगे माय चाइल्ड इज ओके, माय चाइल्ड इज नॉर्मल, राइट? बट दिस इजंट अबाउट आवर नीड्स, दिस इज अबाउट आवर चाइल्ड। और उस पल में हमारे बच्चे को लेबल्स नहीं चाहिए, अरे ये तो बहुत शर्मीला है, वो तो बहुत शाय है। उस पल में हमारे बच्चे को चाहिए महसूस करना कि वो जैसा भी है ठीक है, इट इज ओके टू बी हु ही और शी इज। सेकंड स्ट्रैटेजी, एम्पथाइज विद योर चाइल्ड्स फीलिंग्स। अपने नेगेटिव लेबल्स और जजमेंट को अलग रखकर अगर हम अपने बच्चे की फीलिंग्स को वैलिडेट करें, कुछ ऐसा बोलकर, बेटा आपको अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करने में झिझक हो रही है ना, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, दैट्स ओके, आप ऐसे बच्चे हो जो जानता है कि वो कब रेडी है, टेक योर टाइम, या फिर ऐसा कुछ, आप जब रेडी होगे तब फ्रेंड्स को ज्वाइन करोगे। और ये बहुत पावरफुल है ऐसा बोलना अपने बच्चे को। ऐसा बोलने से आपका बच्चा अपने बारे में अच्छा महसूस करता है, उसे ये आभास देना कि उसके साथ कुछ गड़बड़ नहीं है जरूरी है। अपने बच्चे के साथ एम्पथाइज करने से, उसे सहानुभूति व्यक्त करने से उसको खुद एम्पथी डेवलप करने में मदद मिलेगी, जिससे उसकी सोशल स्किल्स में वृद्धि होगी। थर्ड स्ट्रैटेजी, टीच योर चाइल्ड दैट डिस्कम्फर्ट इज ओके। अपने बच्चे को सिखाना हेल्पफुल है कि जब हमें डिस्कम्फर्ट होता है उस डिस्कम्फर्ट से दूर नहीं भागना है, उस डिस्कम्फर्ट को नोटिस करना है और अपने आप को सूद करके शांत करके उस स्थिति को जांचना है और धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाने हैं। समय के साथ आपके बच्चे के पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस उसमें ट्रस्ट बिल्ड करेंगे और वो इस डिस्कवरी के प्रोसेस को इंजॉय और वैल्यू कर पाएगा। फोर्थ स्ट्रैटेजी, टीच योर चाइल्ड बेसिक सोशल स्किल्स। अपने बच्चे को सिखाएं जैसे आई कॉन्टैक्ट बनाना, हाथ मिलाना, स्माइल करना और पोलाइट चिट चैट।
सोशल स्किल्स को प्रैक्टिस करने के लिए गेम्स बनाइए और अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस करिए, जैसे कि आप दो टेडी बेयर्स लेकर अलग अलग परिस्थितियों को एक्ट आउट कर सकते हैं मजेदार तरीकों से, और बीच बीच में अपने बच्चे से पूछिए, अच्छा अब इसको क्या कहना चाहिए, अच्छा अब उसको क्या करना चाहिए, एटसेट्रा। अपने बच्चे के साथ रोल प्ले करें, जब दूसरा बच्चा बात शुरू करता है तो कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, प्लेग्राउंड में जाकर कोई जब कोई गेम हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, या अपने आप को किसी दूसरे बच्चे से कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एटसेट्रा। फिफ्थ स्ट्रैटेजी, टीच योर चाइल्ड इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज फॉर डीलिंग विद सोशल ऑकवर्डनेस। सोशल एंजाइटी से डील करने का एक दृष्टिकोण है, सोशल एंजाइटी है नॉर्मल लाइफ का एक हिस्सा जो हम सभी को टाइम टाइम से इफेक्ट करता है, राइट। और अपने आप को रीअश्योर करना कि आई एम ओके और अपने आप की बजाय दूसरों पर ध्यान केंद्रित करना इज हेल्पफुल, जैसे कि अपने बच्चे को आश्वासन देना कि हम सभी कभी ना कभी सामाजिक परिस्थितियों में ऑकवर्ड या अजीब महसूस करते हैं। अपने बच्चे को बताइए कि उसे दिलचस्प होने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू बी इंटरेस्टिंग, दूसरों में दिलचस्पी दिखाने की जरूरत है। उसे दूसरे बच्चों से सवाल पूछना और उनका जवाब सुनना सिखाइए, उसके साथ बैठकर डिस्कस करिए कि वो ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेगा जिसमें वो नर्वस फील करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बर्थडे पार्टी में नर्वस फील होता है तो आप कैसे कंफर्टेबल बनाओगे अपने आप को? क्या आप उन बच्चों के साथ खेल सकते हो जो आपके साथ स्कूल जाते हैं, या क्या आप स्नैक्स सर्व करने में मदद कर सकते हो, या दूसरे बच्चों से किस बारे में आप बात कर सकते हो? अपने बच्चे को, अपने आप को आश्वासन देने के लिए आप क्या कह सकते हो? अपने बच्चे से ये सब ब्रेनस्टॉर्म करिए। और ये कहना ना भूलें, न्यू सिचुएशंस में जाना मुश्किल तो है और आप ऐसे बच्चे हो जो मुश्किल चीजें कर सकता है। और प्लीज हमारे घर आने वाले गेस्ट को बेटा चलो डांस करके दिखाओ, जोक सुना के सुनाओ, ऐसा नहीं बोलिए, राइट। अगर आपको ये टिप्स यूजफुल लगी तो मेरा चैनल द थेरेपिस्ट मॉमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगले वीडियो में मैं डिस्कस करती हूँ कि बच्चों की असर्टिवनेस स्किल्स की कोर्स कैसे सिखाना चाहिए। थैंक यू।